कलेक्टर में मौजूद हैं हाथरस में हुए जघन्य रेप कांड के विरोध में और हत्याकांड के विरोध में। वहाँ रेप कांड के अंदर मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ में जो दरिंदों ने दरिंदगी की है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, वह इनके खिलाफ़ बयान ना दे सके, उसकी ज़बान को काट दिया गया और उसको मृत्यकारित अवस्था में पहुँचाकर आखिर को उसकी मृत्यु हो गई। हमने उसके लिए कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध दर्ज करवाया है और हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम अजमेर जिला कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने प्रमुख मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कानून की धाराओं को और कानूनों को और सख्त और कड़ा किया जाए, जिससे जो अपराधी ऐसा करने की सोचे तो उसकी रूह थर थर काँप जाए कि अगर मैं इस घटना को अंजाम देता हूँ तो उसके अंजाम के स्वरूप मुझे क्या मिलेगा। और दूसरी मांग हमने शासन प्रशासन से की है कि योगी के जो प्रशासन ने रात को 2:30 बजे बहन मनीषा वाल्मीकि के शव को बिना परिवार की अनुमति के दाह संस्कार कर दिया, परिवार को दाह संस्कार से वंचित रख दिया, उसके अग्नि भी नहीं दे पाए, उसके लिए भी हमने कड़ा विरोध दर्ज करवाया और शासन प्रशासन से मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच बैठाकर शासन प्रशासन के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्या छुपाना चाह रहे थे, काली पट्टी बांधकर हमने विरोध दर्ज करवाया है कि हमें हमारी मांगों को सुना जाए और मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो इस मामले को छुटला रहे हैं और छुपाना चाह रहे हैं और जिन्होंने बिना अनुमति के उसको दाह संस्कार को कर दिया। मोहसिन खान नंगरेस, अजमेर जिला अध्यक्ष, पायलट ब्रिगेड मुख्य सेल एवं अल्पसंख्यक विभाग, मेरी पायलट ब्रिगेड की पूरी टीम के साथ।